नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। 2023 का साल भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक बेहद मुश्किल साल रहा है। 2022 में जहां पूरे इकोसिस्टम में फंडिंग विंटर का डर था, उसका असली चेहरा तो 2023 में दिखा। इस साल स्टार्टअप फंडिंग 5 साल के निचले स्तर पर पहुंची है। 2023 में भारतीय स्टार्टअप्स में सिर्फ $7 बिलियन की ही फंडिंग रही, जहां 2022 यानी कि पिछले साल में यह आंकड़ा $25 बिलियन का था। सिर्फ फंडिंग स्लोडाउन ही नहीं, 2023 के साल में भारतीय स्टार्टअप्स ने फाइनेंशियल मिसरिपोर्टिंग, खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यूएशन मार्कडाउन के लिए भी हेडलाइन बटोरी है। जैसे ये मुद्दे कम नहीं थे तो रेगुलेटरी एक्शन का भी झटका लगा, खासकर डिजिटल लेंडिंग और ऑनलाइन गेमिंग में काम कर रहे स्टार्टअप्स पर। लेकिन इस सब के बीच एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये साल खत्म हो रहा है। 2024 भारतीय स्टार्टअप्स के लिए क्या लेकर आएगा, आज इसी पर हम कर रहे हैं बात। मेरे साथ हैं ब्लूम वेंचर्स के कोफाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर कार्तिक रेड्डी, आईवी कैप वेंचर्स के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम गुप्ता और साथ ही मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ बिपिन प्रीत सिंह। आप सभी का स्वागत है और आप सब इत्तेफाक रखते हैं कि 2023 इतना कुछ खास साल नहीं था। कार्तिक, आपके लिए क्या हाईलाइट थी? मैं एक चीज जो आपने बताई उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ कि फंडिंग जो 21-22 में जो हुआ था वो थोड़ी अनोमली थी इंडियन इकोसिस्टम की। जी हाँ, इतना अगर आप 18-19-20 देखे तो उसमें फंडिंग 8-10 बिलियन ही था साल का, मे बी 12 था, तो उसके हिसाब से इतना ड्रॉप नहीं हुआ। जो ड्रॉप इतना ड्रास्टिक है उसका रिस्क ये है कि जो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस या मॉडल्स बना चुके थे लोग, उनको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है ऐसे माहौल में। तो अगर तो कॉस्ट कटिंग इतनी रैम्पेंट हुई है पिछले 18 महीने में, बट 1 लाख से ज्यादा जॉब्स कट किए हुए हैं। जी हाँ। क्योंकि अभी जितना पैसा बैंक में है उसी के साथ इनको प्रॉफिटेबिलिटी के पास पास जाना पड़ेगा, तभी उनको अगला राउंड मिलेगा। तो पैसे तो है लोगों के पास, बट उसमें भी एक स्प्लिट है। इंडिया में जो फंड्स ऑपरेट करते हैं उनके पास है, बट वो काफी लेट स्टेज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये कि आपको लेट स्टेज अगर पैसे चाहिए, इधर आपको आईपीओ जाना पड़ेगा या प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा या बाहर से ग्रोथ कैपिटल आना पड़ेगा। तो दैट वो सर्कमस्टांसेस बदलने की वजह से थोड़ा प्रेशर काफी है कि ग्रोथ को स्लो करके प्रॉफिटेबल किसी भी तरह बन जाओ आप। और जो अर्ली स्टेज फंडिंग है वो तो है ही, वो काफी मजबूत है इस माहौल में भी। जी। मगर क्वालिटी इज बीइंग लॉट मोर ओवर क्वांटिटी इस साल, और वो 24 में भी चलेगा, ये मेरा एस्टिमेट है फॉर नेक्स्ट ईयर। विक्रम, आप कैसे एसेस कर रहे हैं इस पिछले साल को, गुड ईयर और अ बैड ईयर और एन एवरेज ईयर? So, हर्षदा, आई थिंक जो कार्तिक ने बोला बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस बात से। 2022 में रेट बहुत जल्दी इंक्रीज हुआ 0 से 5%, उसके कारण सडनली काफ़ी लिक्विडिटी का क्रंच हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी वैल्यूएशंस में भी ड्रॉप हुआ और उसका इम्पैक्ट 2023 में भी रहा। तो लेकिन हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हमने पिछले 12 महीने में 550 करोड़ डिप्लॉय किया है, क्योंकि ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर करेक्शंस होती हैं, जो स्टार्टअप्स अच्छे हैं उनको फिर भी फंडिंग मिली है इस साल। और 2024 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इलेक्शंस रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन डॉलर इन्वेस्टर जो फ्लो है जी, वो इन्वेस्टर्स वो इलेक्शन का रिजल्ट का वेट करेंगे। और दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट थोड़े सॉफ्टन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से 2024 में लिक्विडिटी काफी बढ़ेगी। जी हाँ। उसकी वजह से आप देखोगे कि इम्पैक्ट है जो फंडिंग है, जो कार्तिक जैसे बोल रहे थे कि लेट स्टेज फंडिंग का जो अभी थोड़ा सा गैप है वो भी फिल होने लगेगा। तो आप देखोगे कि 2024 में लेट स्टेज फंडिंग, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी फंडिंग जो 50 मिलियन से 100 मिलियन, 200 मिलियन राउंड जो होते थे, वो आप देखने लगोगे 2024 में। मार्च के बाद वो एक्शन और जोर पकड़ने के आसार बन रहे हैं। विपिन, जैसे कार्तिक और साथ ही साथ विक्रम भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए
क्वालिटी कंपनियों में पैसा आया है, लेकिन पैसे की धार जो है वो शायद धीमी पड़ गई। और कार्तिक ने बखूबी एक चीज कही कि प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा जोर सभी कंपनियां दे रही है, वो तो मोबीक्विक ने भी शायद 2023 में दिया ही। आपके लिए क्या वही हाई पॉइंट रहा है? एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये कि आप अपने बिजनेस को इन्वेस्टर पे डिपेंडेंट और कैपिटल पे डिपेंडेंट, स्पेशली जैसे आप ग्रो करते हैं बिजनेस को, तो उसको उसकी डिपेंडेंसी आपको मिनिमाइज करनी चाहिए। ऑफ कोर्स ग्रोथ कैपिटल अगर अवेलेबल हो और उससे आप ग्रो कर सकते हैं, एंड इफ इट्स अवेलेबल फॉर चीप, सस्ते में अवेलेबल है, आपको अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, तो अच्छी बात है। वरना अल्टीमेट एम ये होना चाहिए लेट स्टेज कंपनीज का कि प्रॉफिटेबल तरीके से यूनिट इकोनॉमिक सही करके करें। और यही चीज आई थिंक पूरे इकोसिस्टम में सब लेट स्टेज स्टार्टअप्स ने मेरे हिसाब से अडॉप्ट की है। सबको समझ आया है कि हो सकता है कि जो आपके आपको लास्ट पैसे मिले हैं वो आपको यू नो दे आर रियली द लास्ट मनी, मतलब उसके बाद आपको कोई कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इन्वेस्टर आपको नहीं देगा, बिकॉज आपने जिस वैल्यूएशन पे पैसे उठाए हैं, और अगर आप लिस्टेड कंपनीज का शेयर प्राइस देखें हर स्पेस में, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, ई कॉमर्स वगैरह हो, और उनकी वैल्यूएशंस और उनके नंबर से आप अपने मल्टीपल्स को कंपेयर करें, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया में आपकी स्टार्टअप का जो इवेंचुअल वैल्यूएशन है वो या तो किसी मर्जर एंड एक्विजिशन से होगा या फिर आईपीओ से होगा। इंडिया में मर्जर एंड एक्विजिशन के नाम पे कुछ होता नहीं है, राइट? कोई खरीदता नहीं है, स्पेशली बड़ी कंपनीज कोई नहीं खरीदता। तो अगर आप एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, यूनिकॉर्न बनाना चाहते हैं जैसे कि हमारे देश में है, तो वो यूनिकॉर्न एक पेपर वैल्यूएशन है, उस यूनिकॉर्न को खरीदेगा कौन उस वैल्यूएशन पे? तो वो तो बहुत कम एग्जिट्स हुए हैं इंडिया में। बट देयरफॉर इसका मतलब है कि आपको आईपीओ करना पड़ेगा। आईपीओ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, वो है कि आपको प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा बिजनेस को, प्रॉफिटेबल जानबूझ के या नंबर्स को करके नहीं, रियली बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस एज फाउंडर्स को टेम्पर करना पड़ेगा। कार्तिक, जो पॉइंट विक्रम रेज कर रहे थे और जिसका शायद उल्लेख विपिन ने भी थोड़ा बहुत किया कि लेट स्टेज में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, और पिछले साल हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज अच्छी से अच्छी फंडेड कंपनियों में देखे, फाइनेंशियल मिसरिपोर्टिंग वेरी वेल फंडेड कंपनियों में देखी। इससे बचने का कोई तरीका तो है नहीं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आर यू डबलिंग डाउन ऑन दीज मैटर्स अगेन? क्योंकि ये शायद चीजें आप अर्ली स्टेज में लोगों को कहते थे कि सावधान रहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ख्याल रखे, ये तो लेट स्टेज में आकर गड़बड़ हो रही है। ये सब करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो एक माहौल ऑफ ट्रस्ट, विश्वास तो है ही नहीं लोगों के कि ये वैल्यूएशन जमते हैं या नहीं। उसके नीचे आप बोलेंगे नंबर भी गलत है तो पूरा विश्वास उठ जाएगा इकोसिस्टम पे। तो वो जो बैड एप्पल्स है थैंकफुली वो 5-10 होंगे 100 में से, बट उनके उनकी वजह से नाम खराब हो सकती है इकोसिस्टम की। पहली बार आज सुना एक वीसी ने बोला एक ग्रुप में कि वो गवर्नेंस फ्रेमवर्क को टर्म शीट के साथ अटैच करके वो लोग मैंडेटरी बना रहे हैं कि यंग फाउंडर जो है उनको भी सिखा रहे हैं कि यही है आपका रास्ता, राइट? तो आप बाद में जाके नहीं सीख सकते, बहुत बेसिक है। कंपनी बना रहे हो 10 साल के लिए बना रहे हो, 15 साल के लिए बना रहे हो, बाहर के पैसे लेके बना रहे हो, मजाक थोड़ी है। तो आप सीख लो, क्योंकि ये 10th grade की पढ़ाई नहीं है, नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। ये आपके खून में होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी एंटिटी का अच्छा होना चाहिए, आप चाहे किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो। विक्रम, टू ऐड टू दैट, जो आपने कहा कि आपने इस साल दरअसल फंड रेज किए थे, तो कितना ड्राई पाउडर रफली बैठा है पैसा लगाने के लिए, और कितनी कंपनियों से आजकल आप लोग मिल रहे हैं कि शायद 2024 में वो पैसा आप असाइन करना शुरू करेंगे? हमारे हिसाब से वो मिनिमम $20 billion कैपिटल था जो ड्राई पाउडर में था, और उसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो अभी भी इस साल इन्वेस्ट नहीं हुआ है। आप बोल रहे थे $7 billion टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो काफ़ी ड्राई पाउडर अभी बाकी है, लेकिन उस सारा इमीडिएटली नहीं आएगा। फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, लेकिन मोस्टली वो ड्राई पाउडर आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा। तो आपको सेकेंड हाफ में ज्यादातर लेट स्टेज इन्वेस्टमेंट्स नजर आएंगी, $100 million even $200 million काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, व्हाट अबाउट द अर्ली स्टेज, जहां पर आप लोग काफी अग्रसर है कार्तिक, क्या अर्ली स्टेज में भी इंतजार करना पड़ेगा कंपनियों को? आई थिंक सो, अनफॉर्चूनेटली इतना आसान नहीं। दो चीजें हैं ना, पैसा हमारे चेक काटने में
आप जल्दी करोगे तो उसके बाद आएगा कौन, तो ऑलवेज वेंचर में एक डाउट रहता है, और एक चेक से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, आप सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बन सकते. तो हम अगर बहुत ही जल्दी जाके आइडिया स्टेज में आज फंडिंग किए, तो जितना ट्रैक्शन बनेगा एक दो साल के बाद हमारे पैसों के साथ, वो आज के जमाने में सीरीज ए और इन्वेस्टर को यू नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो बड़ा चेक दे उसके उसके बाद. तो वो ये चेन इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट है हमारे इकोसिस्टम में. ये शिफ्ट हुआ है पिछले 5 साल में अगर लोग ध्यान दे, तो जैसे ब्लूम या आईवी कैप के साइज थे 10-12 साल पहले 20-30-50 मिलियन के फंड, उस साइज के अब 40-50 फंड नए आ गए, जितने 8-10 होते थे 10 साल पहले या 8 साल पहले. तो अब क्या हो गया कि थोड़ा रिस्क टेकिंग शिफ्ट हो चुका है कि हम इंतजार करते हैं 2 साल और वो लोग वो रिस्क लेते हैं $500,000-1 million डाल के. तो फनल वाइड होता जा रहा है, इंडियन इकोसिस्टम के लिए एकदम अच्छा खबर है ये, बट उसके बाद बहुत टाइट हो जाता है, राइट. सो बहुत नैरो हो जाता है, और अगर सीरीज ए और बी फंडिंग नहीं मिला तो कंपनी बहुत रेयर है कि वहां से बूटस्ट्रैप करके आप जल्द से जल्द आईपीओ लायक बन जाओ. तो दैट इज द चैलेंज टुडे. एक चीज जो बिपिन आप रेस कर रहे थे वो रेगुलेटरी था, और हमने ऑनलाइन गेमिंग में देखा है सरकार ने किस तरह से एक बड़ा झटका दिया. दूसरी तरफ डिजिटल लेंडिंग पर भी आरबीआई पहले से ही क्या कह रहा था कि सचेत रहिए, ध्यान से दीजिए, यू नो आप ये बीएनपीएल पर गाज गिरी थी, और अब अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर सरकार ने साफ कह दिया है, या फिर आरबीआई ने साफ कह दिया कि 50,000 रुपीज से कम वाले जो लोन्स हैं उस पर संभल कर चलना है, वहां पर रिस्क वेट्स बढ़ने हैं. इतने सारे जो रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं उससे कई बिजनेस मॉडल्स शेक हुए हैं. ये बताइए क्या ये सिलसिला जारी रहेगा, या फिर अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजिटल लेंडिंग होगी जिसमें रिस्क भी आरबीआई के लिए काफी कम होगा? इज दैट वेरी हेल्दी फॉर द इकोसिस्टम ऑर नो? 2023 में जो सबसे बड़ी चीज हुई कि ये गाइडलाइंस जो है फाइनलाइज हुई, और इसमें फिनटेक का जो रोल है, जैसे मोबीक्विक जैसी कंपनी जो कि लेंडर नहीं है, जो कि बैंक नहीं है, इनका क्या रोल है कि ये लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, बैंक्स के साथ एनबीएफसी के साथ मिलकर डिजिटल लेंडिंग कर सकते हैं, ये रोल का एकदम क्लियर क्लैरिफिकेशन हुआ और लेजिटिमाइज हुआ एक तरह से, ये ठीक से एस्टेब्लिश हुआ कि ये इंडस्ट्री अब लीगल है, लेजिटिमेट है और ये ग्रो कर सकती है. और वही हो रहा है. और ये जो अभी रिसेंट चीजें आई हैं जैसे कि छोटे लोन ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये अगेन आई थिंक मार्केट जिस तरह से मूव करता है कि कुछ लोग जल्दी जल्दी बहुत सारे लोन दे देते हैं या कुछ बेकार के प्लेयर्स आके लोन देने लग जाते हैं जो कि गलत या तरीके से लोन दे रहे हैं, तो उसपे चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है और ये उसी का रिजल्ट है. आरबीआई बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे देखता है रिस्क को, तो वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट थिंक इसमें लॉन्ग टर्म कोई चेंज होने वाला है. लॉन्ग टर्म चाहे वो बाय नाउ पे लेटर हो या छोटा लोन हो, माइक्रो लोन हो, वो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे कंज्यूमर सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे देश की इनकम ही इतनी कम है कि उनको आप बड़े लोन दे ही नहीं सकते और उनका क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं. तो आई थिंक ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी बैलेंस आउट होगा. और पार्टनरशिप्स का जो मॉडल एस्टेब्लिश हुआ है फिनटेक में, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, ये चलता रहेगा. मेरे हिसाब से 2024 और 25 में डिजिटल लेंडिंग सिग्निफिकेंटली और ग्रो करने वाली है, बट विद प्रॉपर मैकेनिज्म्स. इस तरह के रेगुलेटरी जो इंटरवेंशंस आते हैं या फिर जो गाइडलाइंस आती हैं, वीसीज उसे कैसे देखते हैं? आरबीआई एक सर्कुलर निकाला है उन्होंने जिसमें कुछ वीसी इंडस्ट्री को ही इंपैक्ट हो सकता है, वो अभी डिस्कशन में है, जिसमें वो बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वाला, आईएफएस वाला. जी हाँ जी हाँ जी. तो वो थोड़ा क्रिटिकल मैटर है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको, अभी आर ट्राइंग टू स्टिल अंडरस्टैंड द सर्कुलर की उसमें क्या डिटेलिंग है, क्योंकि उसमें कुछ क्लैरिटी भी है जो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आई थिंक उसका इंटेंशन जो है वो सही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो शायद बड़ा वाइड स्प्रेड होगा पूरी वीसी इंडस्ट्री पे, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बैंक्स को और ओनली एनी रेगुलेटेड एंटिटीज बाय आरबीआई, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन एआईएफ्स व्हिच हैव इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज वेयर दीज रेगुलेटेड एंटिटीज मे हैव डायरेक्ट एक्सपोजर, हेंस इंडिकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हिच इज एक्चुअली द टेंशन इज राइट, बट आई थिंक उसका इंपैक्ट जो है वो बड़ा वाइड स्प्रेड हो सकता है. इस चर्चा में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन
नया पैसा किस तरह की कंपनियों में लगेगा उसकी बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि फिनटेक के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी 2024 में है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज चर्चा में शामिल है ब्लूम वेंचर्स के कार्तिक रेड्डी, आईवी कैप वेंचर्स के विक्रम गुप्ता और मोबी क्विक के फाउंडर विपिन प्रीत सिंह। थर्ड चीज दैट द मार्केट हैज बीन क्वाइट एंथूज्ड अबाउट कि एग्जिट्स मिलने लगे हैं और वो हमने देखा है पिछले दो सालों में विद यू नो पेटीएम, जोमैटो, इवन आइडिया फोर जिस साल होनासा का जो की जो लिस्टिंग हुई है, एग्जिट्स के फ्रंट पर मुझे अगर एक अंदाजा दे सके कार्तिक। आई थिंक दो चीजें हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट बहुत बढ़िया है अभी तो, और आईपीओ की वॉल्यूम जितना नॉन टेक में ये पिछले दो तीन महीने में देखे हैं तो लग रहा है कि एपेटाइट तो है। हम ऑलवेज कह रहे थे कि टेक स्टॉक्स जो है प्रॉफिटेबल और टेक इंडेक्स बनने लायक स्टॉक्स ज्यादा है नहीं इंडिया मार्केट में, और बहुत एपेटाइट है बोथ विद म्यूचुअल फंड्स एंड रिटेल कि मुझे और टेक दो जो प्रॉफिटेबल बन सकती है। और 10-12 साल के बाद थैंकफुली आई थिंक अभी आज सुबह का हेडलाइन था फर्स्ट क्राई माइट गो पब्लिक, सो देयर हैव मोर एंड मोर कंपनीज ऑफ दैट कैलिबर कि हम 10-12 साल के बाद फाइनली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और ये सस्टेनेबल है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स और हम बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस। वो सेंटिमेंट टेक में फाइनली वाइड स्प्रेड दिख रहा है और हम अब नहीं, 4-5 साल पहले मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छा होगा इंडियन मार्केट के लिए अगर स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप को मिला के 50 पब्लिक कंपनी हो टेक में, उसमें से ज्यादातर 40-45 ऑफ देम वेंचर फंडेड होंगे ही, बिकॉज बहुत कम कंपनीज है जो बूटस्ट्रैप या नॉन वेंचर फंडेड करके टेक में बड़े हुए हैं। तो अगर ये माहौल ऐसे बन गया, फिर जैसे इन द अर्ली पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन बात हो रही थी कि बेंचमार्किंग हो गई अब पब्लिक मार्केट के साथ प्राइवेट मार्केट का, और ये अच्छी बात है इफ यू आस्क मी, फिर वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो जाती है फॉर अ न्यू फाउंडर कि मुझे हवा का वैल्यूएशन नहीं चाहिए। जी हाँ। मुझे इवेंचुअली पब्लिक मार्केट का ही वैल्यूएशन बेंचमार्क होगा, एमएनए में भी वही होगा, पब्लिक जाने में भी वही होगा, तो पैसे जबरदस्ती उठा के एक यू नो 2x वैल्यूएशन खड़ा करके कोई फायदा नहीं है मेरा, मेरा ही डाइल्यूशन होगा, कंपनी मुझे चलानी है, इन्वेस्टर सारे आईपीओ में पैसे लेके चले जाएंगे। जी हाँ। राइट, शादी के लिए आए हैं गेस्ट सब चले जाएंगे, शादी खाना खा के चले जाएंगे। हाँ। तो आईपीओ और फाउंडर की शादी जो है वो बहुत और कठिन है उसके बाद 10 साल के लिए। राइट, तो आई थिंक वो अभी महसूस हो रहे हैं सारे फाउंडर्स को कि हमारी जिंदगी अगर हमें चलाना है तो यही रास्ता। राइट, मुझे बहुत पसंद है कि ये रीसेट हो चुका है और ये अगले 2-3 साल में मेरे अंदाज से 30-40 आईपीओ होंगे ही, और कोई चारा नहीं है एग्जिट दिलाने का इंडिया में इतने स्केल पे, जितना पैसा गया है मार्केट में वो निकलेगा नहीं अदर देन थ्रू द आईपीओ रूट, तो सब सुधर के आईपीओ करे तो अच्छी ही बात। उन 30-40 में से क्या मोबी क्विक का भी आईपीओ आ सकता है विपिन, क्योंकि ये आईपीओ फाउंडर वाला शादी का रिश्ता आप लोगों का तो तय है लेकिन डेट टल गई थी। बिल्कुल, हम इस तरफ काम कर रहे हैं, अब मुझे टाइमिंग का पता नहीं बिकॉज आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट्स, मार्केट्स आर वेरी गुड राइट नाउ बट मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट मोबीक्विक एक ना एक दिन आईपीओ करेगी, अब वो किस टाइम जोन में करेगी मुझे मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज अगले साल अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं जी। तो वी विल You're still in the waiting. अच्छा, मैं finally कार्तिक और विक्रम आपसे समझना चाहूंगी कि नया पैसा अब कहाँ आने वाला है, what sectors are you looking at? क्योंकि इस साल भले ही वो $7 billion तक की फंडिंग आई हो, स्पेस टेक में बड़ा पैसा लगा और ब्लूम वेंचर्स की कई कंपनियों ने वहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है, एनवायरमेंट टेक की बात हुई है, जनरेटिव AI में लोग ट्राई कर रहे हैं शायद कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज ढूंढे, कार्तिक किस सेक्टर पर आप ज्यादा क्लूड इन हैं इस समय जहां पर शायद मौके हैं यू नो अच्छी कंपनियों को बैक करने के? आई थिंक बहुत आई मीन बोथ थोड़ा मोमेंटम पे जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन भी है, हमारा पाइपलाइन देखे अगले साल के लिए तो कंज्यूमर ब्रांड्स को देख रहे हैं, बहुत साल के लिए हमने कंज्यूमर ब्रांड्स नहीं देखे थे, 1-2 साल से देखने लगे हैं और काफी फास्ट ग्रोथ हो रहे हैं जहाँ पे सक्सेसफुल कंपनीज बहुत जल्दी बन रहे हैं कंज्यूमर ब्रांड्स में, तो हमें लग रहा था थोड़ा मिस हो गया वो ट्रेंड, हम देखने लगे हैं और इस पोर्टफोलियो में शायद 3-4 कंपनी बनेंगी ऐसे। वी एक्चुअली लुकिंग अगेन काउंटर इंट्यूटिवली एट टेक के अंदर जो स्किलिंग की
अपॉर्चुनिटी है विच इज एसेंशियली जॉब क्रिएटिंग एज अपोज टू एजुकेशन. वो स्पेस में हमें लगता है कि इंडिया इज कंटिन्यूज टू बी हेवीली अंडर स्किल्ड फॉर जॉब्स. तो वहां पे एक ऑलरेडी हो चुका है, एक दो और देख रहे हैं. डीप टेक में हमने इलेक्ट्रिक पे काफी बेट्स ले चुके हैं इस साइकिल में. तो वहां पे थोड़ा पॉज करके थोड़ा लाइफ साइंसेज, यू नो, कैंसर क्योर्स, थोड़ा मुझे लगता है कि वेंचर में इंडिया में वी शुड लुक एट डीप टेक एंड हैव 15-20% एक्सपोजर टू डीप टेक इन एवरी पोर्टफोलियो. एटलीस्ट ब्लूम का बिलीफ वो ऑलवेज रहा है हर साइकिल में. विक्रम, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? तो हम लोग अभी 2000 करोड़ के फंड से डिप्लॉय कर रहे हैं, सारा डोमेस्टिक कैपिटल है. हम लोग इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक तो सीरीज है बेट्स ले रहे हैं जिसमें हम लोग 30 से 50 करोड़ एवरेज चेक लिख रहे हैं. वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंपनीज इन हेल्थ टेक, इन कंज्यूमर टेक, फिनटेक ऑल्सो एंड B2B SaaS कंपनीज. और एक और पॉकेट हमने क्रिएट किया है जिसमें हम लोग अर्ली बेट्स ले रहे हैं, जिसमें हम मोस्टली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, इंक्लूडिंग जनरेटिव AI में काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज निकल रहे हैं. इवन क्लाइमेट टेक वी आर सीइंग क्वाइट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज, जिसमें सीड और सीरीज ए स्टेज, सीड और प्री सीरीज ए स्टेज पे काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं. तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक्चुअली 2024 में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का इम्पैक्ट नजर आने लगेगा सेक्टर्स पे, स्पेशली इन द कोर सेक्टर्स ऑल्सो. कुछ स्पेस टेक्स के जो आइडियाज हैं वो आपको नजर आने लगेंगे, उनका एक्चुअल इम्पैक्ट नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल वैल्यू. तो कुछ आइडियाज जो हैं वो हम ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं जो अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं. तो मेनली ये आइडियाज में हम लोग बैक कर रहे हैं. 2024 के लिए कोई बड़ा लैंडमार्क जो MobiQuick अचीव करना चाहे, कोई बड़ा टारगेट? हर साल हमारा लैंडमार्क होता है बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ विद प्रॉफिट्स. तो आई थिंक मैं इसमें स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं बता पाऊंगा आपको, बट जनरली हाई डबल डिजिट ग्रोथ एंड होपफुली गेटिंग टू 20% काइंड ऑफ प्रॉफिट मार्जिन विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये हमारा रहेगा बिकॉज बेस्ट इन क्लास जो कंपनीज हैं इंडिया की दे अचीव दिस. ऑफकोर्स हमारा, हम टेक्नोलॉजी कंपनी है तो हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके, एंड स्पेशली आई एम वेरी बुलिश ऑन AI बिकॉज मुझे लगता है इंडिया में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जिसमें अकाउंट एग्रीगेटर, UPI, इंडिया स्टैक की सारे कैपेबिलिटीज हैं और डेटा है, उसके ऊपर AI को यूज करके इंडिया के मासेस को सर्व करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फिनटेक में, जो कि एक कंपनी नहीं कर पाएगी मेरे हिसाब से. उसमें बहुत अलग अलग कंपनीज निकल के आएंगी. सो आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट. MobiQuick में हम कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं, प्लस हम पार्टनर भी कर रहे हैं और दूसरी स्टार्टअप्स के साथ. तो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन फिनटेक, ऑन टेक्नोलॉजी एंड ऑफकोर्स ऑल ऑफ इट ऑन MobiQuick. उसी नोट पर मैं आप तीनों से इजाजत लूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ फैंटास्टिक 2024. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम आपसे लेंगे इजाजत. आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें, लेकिन अपना ख्याल रखें. गुड बाय.